हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आप लोगों के सामने आज आ गई हूँ। आज मैं और आप मिलके दोनों बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करेंगे। हमें अपनी लाइफ में स्मार्ट कैसे बनना है। स्मार्ट तो हर किसी को बनना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी आके हमारा फ़ायदा उठा के ना चला जाए। हाँ, एक दो बार हम किसी की मदद कर सकते हैं, और अगर हमें उसकी मदद की ज़रूरत पड़ी और हम उसके घर गए और उसने हमको बोल दिया ना, तो हमको तो लगता है बहुत बुरा, और हम घंटों सोचते रह जाते हैं कि मैंने तो उसके आज तक उसने मुझे जितने काम बोले मैंने तो सारे काम किए, उसने मना कैसे कर दिया, और अब आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगी, उसकी बिल्कुल भी बात नहीं मानूंगी। लेकिन होता क्या है, वो कोई भी आपकी फ्रेंड हो या रिलेटिव हो, कोई भी हो, वो कोई भी हो सकता है, वो फिर से आपको कॉल करते हैं, आपके घर पे आते हैं, तो आप फटाफट से उसने कोई काम बोला आपने हाँ कर दिया। ना कहना सीखिए पहली बात तो। और चाहे वो आपके फ्रेंड हो, चाहे आपके रिलेटिव हो, सास ससुर ननद कोई भी हो सकता है आपके घर में, आपके मम्मी पापा, आप ये सोचिए कि बाई चांस आप बीमार पड़ जाती हैं, आप बीमार पड़ गए, आस पास में भी आपकी बहुत सारी सहेलियां बन जाती हैं, आप बीमार पड़ गए, अब आप ये सोचिए आपके बच्चों के लिए खाना कौन बनाएगा, कौन बनाएगा? कोई नहीं बनाएगा। आप ही दवाई खा के उठेंगी जब आपको थोड़ा सा लगेगा कि आराम है, और आप फटाफट किचन में चली जाएंगी और खाना बनाएंगी। तो आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से दूर करना सीखिए, चाहे वो आपके आसपास की फ्रेंड हो, चाहे वो रिलेटिव हो। फोन पे तो हर कोई बोल देता, हाँ ठीक है, ये है, वो है, मैं पास में होती तो जरूर तेरी मदद करती। ऐसा कुछ नहीं है, जिसको मदद करना होता है वो जरूर मदद करता है, हेल्प करता है। तो आपने उसकी कई बार बातें मानी और आपने उसकी हेल्प भी की जाके, और उसने आपको लास्ट टाइम में मना कर दिया, तो आप उसको अपनी फ्रेंड की जो लिस्ट होती है ना, उसमें से बिल्कुल कट कर दीजिए। कोई ज़रूरत नहीं ऐसे लोगों की। और हर चीज़ को हाँ बोलने की ना बोलना सीखिए। जो आपसे अच्छे से रिश्ता निभाए आप भी उससे निभाइए, जो ना निभाए उससे आप भी मत निभाइए, मना करना सीखिए। और आपके परिवार में अगर 10 लोग हैं तो आप हर किसी को तो खुश नहीं कर सकती हैं। जब भगवान भी नहीं हम लोगों को, इंसानों को खुश कर पाए, तो हम इंसान कैसे किसी इंसान को खुश कर सकते हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम क्यों करें ऐसे फालतू की मेहनत? उतना ही प्रेशर लीजिए जितना आप झेल सको, वरना 20 की उम्र में 25 की लगोगी और 35 की उम्र में 45 की लगोगी। ठीक है, तो ओवरलोड लेना जो है अपनी लाइफ में कम कीजिए, स्मार्ट बनिए।